असल जी इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस विद जैसन होपी सो हु इज़ जैसन होपी ही इज़ अडोबी सर्टिफाइड एक्सपर्ट ही इज़ अडोबी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर ऑफ इन डिज़ाइन फोटोशॉप एलस्ट्रेटर एंड एक््रोबैट और आप इस इनकी वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं मज़ीद इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और इसके अलावा यू कैन एक्चुअली गेट हिज बुक टू रीड अबाउट एलस्ट्रेटर तो इनकी हम ब्लॉग इंडेक्स वाले सेक्शन में जाते हैं एंड लेट्स सी हमारे पास वहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आएगी दैट इज़ बिल्ड एनीथिंग इन इलस्ट्रेटर जो कि वी ऑलरेडी नो इट के इलस्ट्रेटर में आप वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप इमेजन कर सकते हैं तो जैसन होपी ने इलस्ट्रेटर के अंदर काफ़ी कुछ क्रिएट किया शेप्स को यूज़ करते हुए और इलस्ट्रेटर के डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करते हुए लेकिन उन्होंने ब्रश टूल और पेन टूल का इस्तेमाल नहीं किया मे बी इन सम प्रोजेक्ट्स ही हैज़ यूज पेन टूल लेकिन ज़्यादा जगह पे आपको शेप्स का इस्तेमाल ही नज़र आएगा तो यहाँ पे आपको जितने भी ये प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं शेप्स नजर आ रही हैं हम इनका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको देख सकते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट किया गया सो इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर द बिगिनर्स जो कि एलिस्ट्रेटर को सीख रहे हैं और दे रियली वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी सिमिलर थिंग्स तो यहाँ पर लिटिल बर्डी के प्रोजेक्ट को देखते हैं मैं लिटिल बर्डी पे क्लिक करूँ तो अगर आप यहाँ पे देखें आपको स्टेप बाय स्टेप जैसन होपी ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया दैट हाउ यू कैन क्रिएट दिस लिटिल बर्डी तो जी ये जो लिटिल बर्डी वाला ऑब्जेक्ट है इसको गो थ्रू करते हैं एंड लेट्स क्रिएट इन अडोबी एलोस्ट्रेटर जी तो इलेस्ट्रेटर के अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की इसके बाद हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे जैसन होपी कहते हैं कि क्रिएटर अ रेक्टेंगल फिल विद अ कलर नो स्ट्रोक ठीक है जी तो आपने इनकी एक एक बात को पहले अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद उसको अप्लाई करना है तो यहाँ क्रिएट अ रेक्टेंगल ठीक है जिसका एक फिल हो फिल आप कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं और उसका स्ट्रोक नहीं होना चाहिए तो स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं और उसको यहाँ से नन कर लेते हैं ठीक है और देखते हैं कि वेदर वी हैव फॉलोड एवरी थिंग इन द फर्स्ट स्टेप और नॉट सो हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया फिल विद अ कलर विद नो स्ट्रोक ठीक है जी सो so, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पे हमें वो कहते हैं जी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और ऑपोजिट कॉर्नर्स को सेलेक्ट करने के बाद उनको राउंड कर दें ठीक है सो so, राउंड कैसे किया जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेते हुए मैं इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर रहा हूँ रेक्टेंगल की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे आपको हर कॉर्नर के साथ एक छोटा सा पॉइंट नज़र आएगा जो राउंडेड पॉइंट है इस पॉइंट से पकड़ के हम इन कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको अभी चारों एंकर पॉइंट्स सेलेक्टेड नजर आ रहे हैं तो अगर मैं एक पॉइंट को चेंज करता हूँ तो बाकी पॉइंट्स भी चेंज होंगे तो हमने ऐसा नहीं करना हमने ऑपोजिट्स एंकर पॉइंट्स को राउंड करना है ठीक है तो पहले एक को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से तो हमारे पास अब सिर्फ ये जो सर्कुलर आइकॉन है सिर्फ एक के साथ नज़र आ रहा है इसका मतलब है अगर अब हम इसको चेंज करें तो सिर्फ इसमें ये वाला कॉर्नर इफेक्ट होगा इसको पकड़ते हैं और यहाँ से राउंड कर लेते हैं ठीक है ये जो आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है वन नाइन्टी पॉइंट सेवन नाइन इसको आप याद रखें आपके लिए यूज़फुल होगा जब हम सेकेंड uh, कॉर्नर को राउंड करेंगे सो so, हम नहीं चाहते कि uh, बिल्कुल डिफरेंट रिज़ल्ट हों तो सिमिलर रिज़ल्ट कैट करने के लिए इसको थोड़ा सा याद कर लें सो वी विल ट्राई कि हम इसके आसपास ही uh, दूसरे कॉर्नर को भी राउंड करें सो दिस इज़ वन नाइन्टी पॉइंट थर्टी थ्री पॉइंट्स मैं साइड पे क्लिक कर रहा हूं और इस एंकर पॉइंट की सिलेक्शन करते हैं और इसको भी यहां से राउंड करते हैं सो वन नाइंटी पॉइंट थर्टी थ्री 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 ठीक है सो इट्स अ वेरी क्लोज फिगर इसको यहां पर रिलीज करते हैं ठीक है तो जो सेकेंड स्टेप है वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं सो so, हमने अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से रोटेट करना है कि रिज़ल्ट आपके पास ये जो आपको शेप दिखाई गई है कुछ इस तरह से हो सो so, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें सिमिलर जो रिज़ल्ट है वो किस एंगल पे मिलेगा ठीक है तो इसको रोटेट करने के लिए आ, आप लोग अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करें और इसके कॉर्नर से आकर आप इसको राउंड कर सकते हैं इसको रोटेट कर सकते हैं ठीक है सो so, जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है वो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 315 के एंगल के ऊपर तो मैं 315 फिफ्टीन पर आ कर इसको रिलीज़ कर लेता हूँ ठीक है अगर आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो 45 फाइव पर आपको ये एंगल मिलता है ठीक है यू कैन गो विद इट लेकिन हम एक्जैक्टली उन शेप्स को फॉलो अगर करें तो हमें 315 फिफ्टीन पर सिमिलर रिज़ल्ट मिलते हैं सो so, वापस आते हैं और यहाँ पर आके जैसर होपी कहते हैं कि डुप्लीकेट द बॉडी ठीक है इसको वो बॉडी का नाम दे रहे हैं और फिल इट विद अ लाइटर कलर कॉपी दिस शेप ठीक है पहले हमने डुप्लीकेट करना है उसके बाद हमने उसको फिल करना है एक लाइटर कलर से तो आपका जो भी कलर है उससे लाइट कलर आपने उसको असाइन करना है सेकेंड शेप को और उसके बाद उसको कॉपी कर लेना है तो वापस आते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आ... इसके बाद हम इसको दोबारा से रोटेट कर लेते हैं इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं और इसके बाद इसकी कॉपी जनरेट करते हैं इसको लाइट कलर से फिल कर लेते हैं ठीक है और इसको कॉपी कर लेते हैं सो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस हूँ इसको हम कॉपी कर लेते हैं वापस आते हैं जी और यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं सो सेलेक्ट द बॉडी एंड क्लिक ऑन द ड्रॉ इन साइड मोड एट द बॉटम ऑफ द टूल बार तो देखते हैं जी ड्रॉ इन साइड मोड हमें कहाँ से मिलेगा और कैसे इसको सेलेक्ट करना है सो so, पहले बॉडी हमने सेलेक्ट की इसके बाद ये हमारे पास टूल बार है अगर आप इसके बिल्कुल बॉटम पर देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ड्रॉ मोडस नजर आएंगे ठीक है जो थर्ड वाला है दैट इज़ द ड्रॉ इन साइड मोड तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ठीक है तो जो ऑब्जेक्ट मैंने कॉपी किया था मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ ठीक है तो इसने क्या किया ड्रॉ इनसाइड मोड का मतलब ये है कि मैंने जिस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की हुई है अगर मैं उस पर किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ या मैं कोई नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से देखिएगा इसको डिफरेंट एक कलर असाइन कर दें सो so, मैंने ड्रॉ इनसाइड मोड किया अगर मैं यहाँ पे एक शेप को ड्रॉ करता हूँ सो so, इस रिजल्ट में आपको ये शेप नज़र नहीं आएगी लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये शेप तो एग्जिस्ट कर ही है तो यहाँ पे हुआ क्या आपने इस वक़्त इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करके इसका जो मोड है उसको ड्रॉ इनसाइड मोड ऑन किया हुआ है so सो अब आप अपने कैनवस के ऊपर कुछ भी कर लें अब आपको सिर्फ विजिबल तब होगा जब आप इस शेप के ऊपर उसको ओवरलैप करेंगे ठीक है जी तो बिल्कुल ऐसे ही हम इसको कॉपी करते हैं इसको पेस्ट करेंगे तो ये उसने एग्जैक्टली exactly उसके ऊपर प्लेस कर दिया तो हम अपने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ठीक है जी तो यही उन्होंने अपने इस स्टेप में बताया कि पेस्ट द सेकेंडरी बॉडी शेप एंड मूव इट ऑन टू द ऑफसेट पोजीशन तो उसको आप थोड़ा सा ऑफसेट पोजीशन पे मूव कर सकते हैं सो so, अगर आपने अंदर वाले ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है तो सिंगल क्लिक पे तो आपको ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके देगा मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इन दोनों में से किसी की भी सिलेक्शन कर सकता हूँ ठीक है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और दोबारा से इसको मूव करते हैं ठीक है जी तो कुछ इस तरह से इसको प्लेस कर लेते हैं वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है सो क्लिक द ओपेसिटी लिंक इन द कंट्रोल बार ठीक है इसका जो ब्लैंडिंग मोड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी जो ओपेसिटी है वो उसको 80 परसेंट करेंगे ठीक है जी क्लिक द ड्रॉ नॉर्मल बटन एट द बॉटम ऑफ द टूल बार तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पर चले गए वो ऑटोमेटिकली हमें खुद ही ले गया इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर लेते हैं विंडोज़ में जाते हैं और यहाँ से जाके ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं ये जो इनसाइड ऑब्जेक्ट है ठीक है जी इसको हम करते हैं जी 80% परसेंट इसकी ट्रांसपेरेंसी और यहाँ से जाके इसको इसका जो ब्लेंडिंग मोड है दैट इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाई ठीक है जी सो so ये रिज़ल्ट हम लोग गेट करना चाह रहे थे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दैट इज़ क्रिएट अन अदर रेक्टेंगल फॉर द विंग वापस आते हैं और यहाँ से आके एक और रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं दैट इज गोइंग टू बी अ विंग और इसको हम लोग एक कलर असाइन कर लेते हैं ठीक है जी लेट्स असाइन इट समथिंग डिफरेंट कलर चलें पर्पल कर लेते हैं इसको उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है इसके हमने एक कॉर्नर को राउंड करना है सो यस वी नो दैट हाउ टू राउंड द कॉर्नर्स इसको सेलेक्ट किया डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लिया इस कॉर्नर को हाईलाइट uh, किया और उसके बाद हम हम इसको राउंड करते हैं ये कॉर्नर हमारा राउंड हो गया इसके बाद क्या करना है जी प्लेस द विंग इन टू पोजिशन ऑन द बॉडी ठीक है जी इसको लेते हैं और अपनी बॉडी के ऊपर इसको प्लेस कर लेते हैं इसके बाद डुप्लीकेट द विंग चेंज द फिल कलर एंड टक इट अंडर द अदर विंग सही तो इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं इसको कॉपी करते हैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ इसको कॉपी करते हैं इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ठीक है इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं इसको इस लेयर के पीछे लेके जाते हैं सो so, यहाँ से लेयर्स पैनल को ऑन कर लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को इसके पीछे लेके जाते हैं ठीक है इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं कुछ यहाँ पे और नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं सो नाउ वी हैव टू क्रिएट द बीक यूजिंग पॉलीगॉन टूल तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ट्राइंगल क्रिएट करें यूजिंग अ पॉलीगॉन टूल एंड पुट इट बिहाइंड द बॉडी फॉर द बीक सही है तो पहले हम लोग ट्राइंगल क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको बॉडी की बैक साइड पर लेके जाते हैं सो so, इलेस्ट्रेटर में आते हैं लेयर्स को देखते हैं और यहाँ से नई लेर क्रिएट करते हैं सो so, अगर मैं शेप्स में जाऊँ तो यहाँ पर आपको एक पॉलीगॉन टूल नज़र आएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं अपने इस कैनवस के ऊपर एक और क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे से पूछता है कि आपने कितनी साइड्स वाली शेप को क्रिएट करना है कितनी साइड्स का पॉलीगोन क्रिएट करना है सो ट्राइंगल हैव थ्री साइड्स तो इसको हम यहाँ से ओके okay कर लेते हैं ठीक है इसको एक ब्लैक कलर असाइन करते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं सो so, हमने क्रिएट करके इसको प्लेस कर दिया इसको थोड़ा सा मूव करते हैं सेंटर की तरफ तो इसको बॉडी की बैक साइड पे लेके जाना है वापस लेयर्स में आते हैं और इस पॉलीगॉन को अपनी बॉडी की बैक साइड पे ले जाते हैं ठीक है जी वापस आते हैं नाउ वी हैव टू क्रिएट द आईज तो क्रिएट अ वाइट सर्कल एंड अ ब्लैक सर्कल फॉर द आई तो वापस आते हैं और यहां से आके अपनी एक शेप और ड्रॉ करते हैं दैट इज गोइंग टू बी अ सर्कल दिस इज़ गोइंग टू बी अ वाइट सर्कल और इसके बाद हम इसी की कॉपी कर लेते हैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको एक ब्लैक कलर असाइन करते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं ठीक है सो दिस इज़ हाउ वी हैव क्रिएट द बर्डी और ऐसे ही आप लोग इसके बाकी स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म दिस इज़ अ वेरी यूजफुल वेबसाइट Uh, जो कि आपको इलस्ट्रेटर के बहुत सारे फ़ीचर्स बहुत सारे टूल्स सिखा सकती है बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो कि आपको सीखनी है अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए जो कि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़फुल uh, हो सकती हैं सो इट्स वेरी यूज़फुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस वेबसाइट को फॉलो करें और यहाँ से मुख्तफ़ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करें और लेट्स सी कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं सी यू इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच